अभी मैं मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आप लगातार वीडियो देखने लग रहे हो हरिद्वार की। मैं 3-4 रोज से हरिद्वार में हूँ और माँ गंगा के आंचल में हूँ। हाल फिलहाल भी गंगा जी के किनारे हूँ और आज आपको एक खास वीडियो दिखाऊंगा। जैसा मैंने टाइटल दे रखे वैसी ही एक दुर्लभ साध्वी जिसके मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। हमें भी उनके दर्शन हुए, आप भी उनके दर्शन करो। एक बार साथ में आओ भाई और ये वीडियो दिखाओ, एक बार ये वीडियो दिखाओ, ये नज़ारा देखो भाई। सबसे पहले तो प्रणाम है मेरा, ठीक हो, स्वस्थ हो? हाँ जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय जरूर दें कि आप कौन हो। जी, मेरा नाम साध्वी तृप्ता सरस्वती है और शिष्य है माँ मंडलेश्वर स्वामी सहज प्रकाश सरस्वती जी। तो हरिद्वार में ही है डेरा? हाँ जी, पंजाब में भी है, हरिद्वार में भी है। आप कहाँ से हो बेसिकली? बेसिकली मैं पंजाब मोगा से हूँ जी। और अभी यहाँ क्या करने आए थे यार, रोज आते हो? हाँ, कभी कभार जब मन होता है, अशांत होता है तो शांति के लिए गंगा जी के पास आ जाते हैं जी। साध्वी क्यों, ऐसा क्या समय आ गया जो आपको एक साधु एक संत इस प्रवृत्ति में आना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी घटना नहीं थी कि मुझे कि इस में आना पड़ा, लेकिन ये तो मैं खुशी से ही आई हूँ। साध्वी बनना मेरे गुरुजी के आशीर्वाद थे जिस वजह से मैं इस लाइन में आई। ये आपका अपना मन था? बिल्कुल, मैं बहुत खुश थी, मेरे को था कि मुझे कोई पूर्ण गुरु मिले और मैं इस लाइन में आऊँ, मैं संत बनूँ। कोई भी प्रेशर किसी तरह का नहीं? नहीं बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है, खुद संत मैं अपनी खुशी से। बिल्कुल परिवार ने नहीं आपको रोका टोका, क्यों ये क्या है ये क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, परिवार ने कुछ नहीं कहा, परिवार ने तो सपोर्ट किया है कि मेरे माता जी बहुत खुश हुए जिस दिन मैं साध्वी बनी, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो लेकिन कब बने आप, कितने दिन पहले? कितने दिन नहीं, कितने साल। हाँ तो कितने साल, वो भी दिनों में आते हैं जी। हमें मतलब कि 7-8 साल हो गए हैं। वैसे तो बचपन में ही थे, आश्रम में रहते थे गुरु जी के मतलब इसमें, लेकिन संन्यास हमें 7-8 साल हुए लिए। कोई तो खास, क्यों क्यों ऐसा दिन आया कि आपको और दुनिया में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, आप एक संत प्रवृत्ति में आ गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे शुरू से बचपन में हमारे जो फादर साहब थे वो हमेशा इसी में रहते थे, भक्ति करते थे, तो इस वजह से हमारा को मतलब रहता था कि हम भी बस भक्ति करें। तो फिर शादी का ख्याल नहीं था, तो ऐसे है कि शादी के करानी नहीं और ऐसे परिवार में रहना मुश्किल हो जाता है, तो एक लाइन तो चूज़ करनी पड़ती है, तो उसमें ऐसे कि ईजली साध्वी में रह के अब हम अपना शादीशुदा ज़िंदगी को छोड़ के इस लाइन में ईजी चल सकते हैं। नहीं तो बहुत बातें होती हैं रिश्तेदारों में समाज में कि शादी नहीं कराई, ऐसे क्यों रह रही है, पता नहीं क्या क्या होती है। आपके घर में हुई? देखो रिश्तेदार तो सबके ही होते हैं, कुछ ना कुछ बातें ऐसी चलती रहती हैं, तो हमारी भी हुई ऐसी बातें। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशराइज किसने किया? होते हैं रिश्तेदार दूर के सब, अब एक का नाम तो क्या ही लें। लेकिन अभी तक हैं कुछ ऐसे? अब तो नहीं है, अब तो सारे बहुत मान सम्मान करते हैं, बड़ा उनको ऐसा होता है कि आप घर में आए और चरण डालें। अब तो वो जो एक संत को मान सम्मान देते हैं वैसे ही हमें देखते हैं, अब उनको वो भतीजी भांजी ये रिश्ते सारे खत्म हो चुके हैं। तो साध्वी जाती है वहाँ पे? साध्वी नहीं गई नहीं हूँ अभी, जाऊंगी, लेकिन बातें होती हैं वो बुलाते हैं जाएंगे। आपकी एज कितनी होगी? एज तो वैसे बताते तो नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कितनी होगी एज हमारी? 32, 33, 35 कुछ मेरा। नहीं नहीं, मैं 40 की होने वाली हूँ बस। 40 की होने वाली? तो मैं आपसे एक सीधी बात करूँगा। बिल्कुल। आप 40 ईयर की, मैं मतलब सीधे बोल देता हूँ, आपको 70, 75 या 80 साल का बुजुर्ग या कोई बुजुर्ग महिला जो आपसे एज में बड़े हैं, दुगने बड़े हैं, और आपको इन वस्त्रों में देख के वो आए आपके चरणों में ऐसे यूं झुके प्रणाम करने की सोचें, क्या फीलिंग आती है? क्योंकि अब आप 40 के हो और वो 80 के हैं, नॉर्मली अगर कैजुअलिटी सीधी कैजुअल बात होती तो आप उनके चरणों में नमन करते हैं, अब उसका उल्टा हो गया, वो आपके चरणों में आते हैं, तो क्या फीलिंग क्या होती है उस टाइम पे, या क्या करते हो आप? नहीं ऐसे है, मैं मतलब कि पहले तो चरणों को किसी को हाथ लगाने ही नहीं देती, मुझे बहुत ऐसे होता कि मेरे चरणों को कोई स्पर्श ना करे, मैं बहुत दूर से प्रणाम करती हूँ, लेकिन चलो किसी की श्रद्धा होती तो हम भी आगे से हाथ जोड़ देते हैं, लेकिन थोड़ा सा होता है कि बुजुर्ग तो हमारे को मत्ती छुए हैं ऐसे पैर चरणों में, दूर से प्रणाम करेंगे। ये हमारे पीछे माँ गंगे बहन लाग रही है जी जी जी, सब पवित्र हो जाता है यहाँ के, बिल्कुल दुनिया आती है पवित्र होने के लिए आती है, आपको क्या लगता है ये बात सत्य है, ऐसा है? बिल्कुल सत्य है, मतलब नॉर्मल हम जल ले लें कोई भी नॉर्मल जो होता है उसको हम एक दो महीना निकलेंगे रखेंगे अपने बंद करके स्मेल आने लग जाती है, तो
तो ये इतना पवित्र, इसको लाखों हजारों सालों से ऐसी चलती आ रही है, और इसको आप बंद डिब्बे में करके रखो, महीनों रखो, सालों रखो, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। तो ये पवित्र है और सारी दुनिया इसके आगे नमस्तक होती है, जो मतलब कि अस्थियाँ होती हैं आप जल प्रवाह करने थी। एक श्रद्धा है और परंपरा से चली आ रही है जी। आप पंजाब से हो? बिल्कुल। और पंजाब में सिख बहुत ज्यादा हैं, सिख समुदाय के जो हमारे भाई हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो आप उस साइड क्यों नहीं गए, आप गुरुद्वारे की साइड क्यों नहीं गए, आप यहाँ हरिद्वार आ गए? नहीं, ऐसे मेरा जो जन्म है ना ब्राह्मण परिवार में हुआ है, हिंदू हूँ मैं, तो मैं जिस हमारी जाति है या जिस से है तो उसी तरह चलेंगे ना। तो शुरू से यही चीज़ें देखिए, बचपन से जब से हमारी अपने आप को समझा तब से हम यही भगवान आरती करते रहे, देवी देवतों को देखते रहे। तो सिख धर्म की तरफ नहीं, हम उनको भी ऐसा बुरा नहीं मानते हैं। बचपन हमारा गुरुद्वारा में जाते रहते, गुरुद्वारा साहब में बाणी सुनते रहते, अब भी जाते हैं कभी मन होता है। लेकिन जिस लाइन में पेरेंट्स होते हैं तो बच्चा उसी लाइन में चलता है आगे चल के। भोले बाबा को मानते हो? बिल्कुल। क्या है वो, कौन है, कौन सी सुपर पावर है जो करोड़ों श्रद्धालु सावन में यहाँ आज के कावड़ लेने आ जाते हैं? भोलेनाथ जी को तो परिचय देने की जरूरत ही नहीं, सब जानते ही होंगे। आपकी नजर में हमारे जो भगवान है जिन्होंने ये सारी सृष्टि को रचा है, जिसकी वजह से ये सारी सृष्टि चल रही है, उसके प्रशंसा हमारे में तो वो मतलब कि शब्द भी नहीं हमारे पास तो जो उनकी प्रशंसा कर सके, ये तो सभी जानते हैं भोलेनाथ। अच्छा, कोई महंत वगैरह या कुछ कोई पदवी अभी तक हासिल हुई? हाँ जी, महंत तो, महंत की पदवी तो है ही है, गुरु जी ने हमें महंत तो बनाया ही है। कोई महिला मित्र साध्वी कोई और है आपकी? बिल्कुल, साध्वी तो सारे हमारे जो है मतलब कि अब रिश्ते नाते वो तो छोड़ ही आए हैं जो शरीक के थे। तो जो यहाँ हमारे हरिद्वार में रहते हैं सारे बहन भाई हैं, हमारे साथ चलते हैं जितने भी साधु संत हैं सारे। किसी के साथ झगड़ा भी है? 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा हमारा ऐसे नहीं है कि किसी के साथ, वैसे विचारों का मतभेद तो होता ही है क्योंकि विचार हर किसी के एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। ढोंग पाखंड ये चीज़ों में हम बिलीव नहीं करते। हम आशीर्वाद देना या किसी के लिए गंडा डोरी कुछ बना के देना, किसी को धागा देना, किसी को कुछ खास चीज़ दे देना, फल वगैरह ले पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, ये ले तेरा बिजनेस दौड़ जाएगा, ये तेरा सोतन से छुटकारा मिल जाएगा, और ये ले वो बाबा मूसा खा बंगाली वाली, वो सारी चीज़ें नहीं। ऐसे देखो हर किसी की अपनी अपनी भावना होती है, श्रद्धा होती है, उसमें हम कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। अगर हमारे पास कोई आता है, किसी को कोई परेशानी है, तो हम तो उसको यही कहते हैं कि आप पाठ पूजा करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठे सुबह जल्दी 4 बजे, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे हम रोड पर जाते हैं तो बहुत ट्रैफिक मिलता है, तो ज़्यादातर हम यही सोचते हैं कि जल्दी जाना है तो निकलो जल्दी से ताकि ट्रैफिक मिले ना वहाँ पे, हमारी गाड़ी आराम से चले। तो वैसे हम भक्ति में यही कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त है, उस टाइम पे कोई ट्रैफिक नहीं होता, कोई रोला शप्पा नहीं होता, तो उस टाइम पे अगर भक्ति करेंगे तो बहुत अच्छा होता है और मन बिल्कुल। अगर इस लाइन में है तो भक्ति नहीं है तो किस लिए आए इस लाइन? ये लाइन क्या है मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन? लाइन का मतलब ये है कि एक वस्त्र पहनने से कोई साध्वी या संत नहीं बन सकता, लेकिन हमारे विचारों से हम किसी को इतना प्रभावित कर दें कि वो सोचे कि इस लाइन में जैसे भगवान की तरफ हम किसी को जोड़ना चाहें, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि इस लाइन में चलोगे ये चीज़ होगी। जब तक ये चीज़ें हम नहीं बताएंगे तो वो इस रास्ते पे चल नहीं सकता। तो ये चीज़ें हैं कि हम, अगर हमें कोई संबल मिला है, हम साध्वी बने हैं, तो हमारे विचारों से हमारी बातों से किसी को अच्छा लगे, वो भक्ति की तरफ जाए, तो इसको, इस लाइन को कहते हैं कि भगवान की तरफ लेके जाना। कोई आम इंसान है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, देखो हम भगवान तो है नहीं कि किसी को आशीर्वाद देंगे तो उसके दुख कट जाएंगे, लेकिन हम अरदास कर सकते हैं। जिस इष्ट को, माता को मैं मानती हूँ, जब मेरे पास कोई आता तो मैं उनको ही दुआ करती हूँ कि माता जी इनके दुख दूर करें, वही करने आ रहा है। किया है किसी का दुख दूर अब तक कोई ऐसा कुछ? मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने दुआ की है तो, वो तो दुआ कबूल बिल्कुल। हम किसी के लिए सच्चे मन से दुआ करते हैं, वो कबूल जरूर होती है। होता है ऐसा? होता है। जो जैसे इतनी सारी संगत आई है, लोग कावड़ लेने आए हैं, भोले आए हैं, तो व्यवस्था प्रशासन ने बनानी पड़ती है। उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है पुलिस, जो एक ड्रेस कोड से पहचानी जाती है। वैसे तो मैं भी एक आदमी हूँ, वो भी एक आदमी है, लेडीज पुलिस भी है और एक साध्वी भी है, लेकिन ड्रेस जो यूनिफॉर्म है उससे पहचान में आती है। तो क्या बस यूनिफॉर्म जिसने डाल दी वही संत है, वही साध्वी है? जिसने ये वाले यूनिफॉर्म डाल ली, मैं डाल लूंगा अभी के अभी 2 घंटे के लिए, तो क्या मैं 2 घंटे के लिए संत हूँ? नहीं, ऐसा नहीं। इसकी पूरी एक रीत होती है, जैसे मुंडन वगैरह होता है, अपने पिंड दान करना पड़ता है, और गुरु के सनिधि में रह के
गुरु के आशीर्वाद से रह के वो हमें अपने मतलब कि साध भी बनाते हैं। इस तरीके से विधि विधान से होता है, ऐसे नहीं कपड़े पहने और साधु बन गए। ऐसे तो बहुत दुनिया में कोई भी साधु बन जाए, ऐसी बात नहीं है। ये तो पूरी विधि विधान तो होता है। आम लोग जो होते हैं ना वो साधु के बारे में क्या सोचते हैं कि भाई अगर एक साधु बन गया तो व्रत के प्रलोभन उसने छोड़ देने चाहिए, जो दुनिया के भोग विलास हैं वो छोड़ देने चाहिए, धन से मोह माया से दूर हो जाना चाहिए, जंगलों में जाओ तप करो, तपस्या करो, लोगों का भला करो, लोगों के बारे में सोचो, कुछ ऊंचा करो समाज के लिए, या फिर मॉडर्न वाले साधु, आज जो लेटेस्ट साधु जो हो रहे हैं, तो आप किस पे ज़्यादा भरोसा करते हो और आप इनमें से कौन सी कैटेगरी के हो? नहीं, कैटेगरी तो सब सेम ही होते, एक जैसे ही हैं। पहले पुराने टाइम में होता था कि मतलब खाना पीना भी ऐसे होता था और एनवायरनमेंट भी ऐसा होता था कि बंदा जंगलों में चला जाता, भक्ति कर लेते, लेकिन वो चीज़ें अब बहुत लुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि समाज में संत को, संत के साथ संत बने हैं तो समाज के लिए बने हैं, उन्होंने त्याग किया था समाज के लिए किया है, तो उसमें समाज में रह के वो चीज़ें सारी करनी पड़ती हैं। अब समाज जिस तरीके से हो गए, संत भी उनको समझाने के लिए, कि पहले होता था वो जंगल में चले जाते थे, कहानियाँ बनती थी, बच्चों को सुनाते थे, तो बच्चे भी इस परंपरा से चले जाते थे, लेकिन अब वो बहुत चीज़ें सारी दूर होती जा रही हैं। हर कोई इसमें मतलब कि जाता है कि जो बड़ी गाड़ी में वही संत है। नॉर्मल अगर कोई सन्यासी आपको मिल जाएगा तो शायद उसको कोई प्रणाम भी नहीं करे। आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई है शायद कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ें अब देखो हरिद्वार में रहते हैं, बहुत संतों में विचरते हैं, बातें सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंस भी सुनते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आज का जो समाज है वो तपस्या कोई कितनी कर रहा है उस चीज़ को नहीं देखता, उसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने गार्ड हैं, इन चीज़ों को देख के लोग प्रभावित होते हैं। वो पहली चीज़, बिल्कुल थोड़ा सा यूं करके जी, तो आपको ये रेखाएँ पढ़नी आती हैं, अब दूसरों की ऐसी रेखाएं देख के उनका भविष्य बता देते हो, या मस्तिष्क रेखाएं देख के, या कुछ पोथी पत्रे कुछ ढूंढ के? पंडित जी रहे हो आखिर, आपके फादर साहब भी पंडित जी थे महाराज, आपने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ जहाँ ब्राह्मण परिवार होता है वहाँ पे इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है, पुस्तकों पे बहुत ज़्यादा विश्वास है उनको, या फिर जो पत्रई वगैरह, जन्म कुंडली वगैरह, फलाना ढमका, बड़ी चीज़ें हैं, आप कहाँ हो इस मामले में, बच गए या उन्हीं में हो? नहीं नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि देखो कुछ चीज़ें होती हैं कि पुराने टाइम से वो चीज़ें चलती आ रही हैं, कि लोग इन चीज़ों को मानते भी हैं और किन्नों के साथ सत्यता होती भी है, लेकिन मैं इन चीज़ों में किसी को भ्रम में नहीं डालती। मैं तो ज़्यादा कहती हूँ कि अपना पाठ पूजा करो, क्योंकि अगर हर किसी को भविष्य के बारे में पता चल जाए तो मुझे लगता है संसार में कोई दुखी नहीं होगा। और जिसको पता चल जाए कि आने वाले टाइम में इसकी चढ़ाई होनी है, ये तो बहुत ऊपर जाएगा, तो लोग तो टांगे खींचने लग जाएं। तो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारी को थोड़ा सा ये पता चल जाता है कि ये टाइम हमारा थोड़ा सा अच्छा नहीं, तो इसमें थोड़ा सा पाठ पूजा ज़्यादा कर लें। आज तृप्ता साध्वी जी जो है ना वो गंगा किनारे खड़ी हैं जी, माँ गंगा की गोद में खड़ी होकर बोल रही हैं जी, तो मुझे लगता है आप सत्य बोलोगे। बिल्कुल। कल को अगर जब साध्वी तृप्ता जी की चढ़ाई होगी जैसे आपने अभी बोला जी जी, तो क्या होने वाला? नहीं, क्या होने वाला क्या है, और मतलब चढ़ाई मैंने आपने दूसरे मतलब शब्दों में ले गए इस चीज़ को। चढ़ाई का मतलब होता है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, क्योंकि अगर हम सच्चे होंगे तो लोग तो जुड़ेंगे। अगर किसी की परेशानी हमारे पास कोई आता है, अगर हमने उस पाठ पूजा को किया होगा तभी हम किसी को आगे सोल्यूशन बता सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों से जाएंगे नहीं, हम किसी के बारे में क्या ही कर सकते हैं। अगर हम पहले भक्ति करेंगे, उस माता रानी के आगे अरदास करेंगे, तो कोई आया दीन दुखी हमारे पास, उसकी अरदास फिर ही माता रानी कबूल करेगी। अगर हमारे पास खजाना होगा, कहते हैं ना कि बैंक में जाते हैं तो बैंक में पहले पैसे होना चाहिए, पहले हमने जमा करना है, उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल सकते हैं। अब दान लेने लेने वाली साध्वी हो, मतलब बस माल आए, क्योंकि मैं तो साध्वी, माल आए जहाँ से भी आए, दक्षिणा के रूप में जैसे आए, या कभी कोई गरीब मिल गया, किसी को जरूरतमंद मिल गया, तो देने वाली भी? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है दान के मामले में, लेकिन संत बन गए अब ऐसे ही है कि जो श्रद्धालु होते हैं उनके संजोग से ही सारी संस्थाएं चलती है। आश्रम अगर चल रहा है तो किस वजह से चल रहा है, वो आपके संजोग से चल रहा है और आपके लिए ये सारी चीज़ें। हमने तो एक रूम में ही रहना है, अगर जो आश्रम में ज़्यादा रूम है तो वो जब आप आएंगे आपके रहने के लिए सुविधा के लिए, तो हम तो जो चीज़ मिलती है अगर हमारे से जितना संजोग बन सकता है, हमारे पास कोई आया तो जितनी ज़रूरत होती है, जितना हमारे पास है उस हिसाब से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं।
आजकल ना जैसे जो साधु लोग हैं वो रोज़ जब मैं सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब फेसबुक इंस्टा वगैरह जो भी कुछ सुबह हर रोज़ उठ के चलाता हूँ ना, तो नए साधु बिल्कुल नए साधु आ जाते हैं, मतलब एकदम से लेटेस्ट साधु की प्राप्ति हो है हमने। क्या चक्कर है ये, आजकल क्रेज है क्या साधु बनने का? कुछ लोग ज़्यादा ही साधु बनने लग, महिलाएं भी बहुत ज़्यादा साधु बनने लग रही हैं, आज बिल्कुल साफ सुथरी है, कल उसके इतने बड़े बड़ी चटाएँ मिलती हैं, वो कहाँ से आती हैं जटाएँ? कोई जादू है आप लोगों को मारा चुरलू मुरलू कल इतनी बड़ी जटा? चलो जटों के बारे तो हमने किसी के क्या ही कहना, वो हर किसी की अपनी अपनी नहीं आती है। कहाँ से आती हैं आजकल तो देखो साइंस बहुत ज़्यादा आगे चल चुका है, ये जटाएँ वगैरह ये सारी चीज़ें आजकल कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, मतलब लगवाई जाती हैं। हाँ लगवाते हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं आजकल, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। नहीं नहीं साधु रोज बने हैं जैसे मैंने बोला साधु ऐसे है। देखो आजकल जो मतलब कि पहले लोगों में ना एक सहन शक्ति बहुत होती थी, वो हर चीज़ को सहन कर लेते थे, लेकिन आजकल वो चीज़ें नहीं है, हर कोई डिप्रेशन में जा रहा है, हर किसी को छोटी छोटी बातों में टेंशन, खान पीन ऐसा हो चुका है, लोगों का रहन सहन ऐसा हो चुका है कि वो मतलब अपनी लाइफ में कम्फर्टेबल ही नहीं है, एक दूसरे की बात सहन ही नहीं कर सकते। तो वो जैसे शादीशुदा ज़िंदगी में होती है तो देखा आज शादी हुई 10 दिन बाद तलाक हो रहे हैं, मतलब इतना वो माहौल ख़राब हो, स्ट्रेस में लोग इतना ज़्यादा रहने लगे हैं क्योंकि लोगों के पास जो चीज़ है उसमें संतुष्ट नहीं है, और ज़्यादा है और ज़्यादा उसके पीछे भागते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो फिर उनको कुछ जब समझ में नहीं आता तो वो ऐसा सोचते हैं कि हम किसी के साथ शादी क्यों ही करवाएं, तो हम अपना संन्यास ले जाएं और साधु बन जाते हैं, लेकिन हम खुश होते हैं कि कोई संन्यास की तरफ आता है, लेकिन वो पवित्रता से आए, ऐसे नहीं कि आज वस्त्र पहने और कल को वो आपको रोड पर वैसे ही मिले, ये परंपरा होती है, परंपरा के अकॉर्डिंग अगर कोई संत बनता है तो वो संत है। मतलब आपका कहना है मतलब टेंशनगिरी महाराज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ऐसे नहीं, आज इसमें उसमें बन गए तो फिर इस लाइन में देखो मुश्किलें तो आनी ही है, जिस लाइन में मर्जी चले मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन उसको सहन करते हुए जो अपने जीवन में चलता है वैसे चलें। अब साधु बन गए तो फिर क्या है, ये बने ही रहेंगे। पहले भी एक आपके इंटरव्यू काफ़ी मेरे चैनल पे वायरल, सॉरी पहले भी आपके कई सारे इंटरव्यू अभिमन्यु मूवीज पे वायरल रहे हैं, लोगों ने देखे हैं, तो बड़े कमेंट्स भी आए हैं या मेरे पास पर्सनल कॉल्स भी आए हैं क्योंकि स्क्रीन पे मेरा नंबर मेंशन रहता है कि कहाँ हैं साध्वी जी, हमें मिलवाओ इनसे, वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत सुंदर हैं, हमें उनसे मिलना है, हमें उनकी टीम को ज्वाइन करना है, हमें उनका शिष्य या शिष्य बनना है, बड़ी चीज़ें। और कोई कुछ दूसरे टाइप के भी, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ है, तो क्या कहोगे? मतलब मैं ऐसे सोशल मीडिया पे हम भी जुड़े रहते हैं, हमारा फेसबुक का अकाउंट है ट्रस्ट सहयोग के नाम से, बहुत कॉल्स हमें भी आती है, मैसेज भी आते हैं, ज़्यादातर हम इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं। अगर वो कहता है तो हम यही कहते हैं कि अपने घर में रह के भक्ति करें, अगर हमारे चार शब्दों से किसी की ज़िंदगी बदलती है तो वो हम छोटी छोटी कथाएँ अपनी फेसबुक के ऊपर लोड करती रहते हैं, तो लेकिन ये नहीं होता कि कोई हमें पर्सनली मिलने आए, एक श्रद्धा भाव होता है तो कभी ना कभी जैसे आप एकदम से हमें से टकरा गए तो ऐसे कोई ना कोई मिल जाता है, लेकिन स्पेशल हम ये नहीं कहते कि कोई अपना घर बार छोड़ के हमारे पास आए हमारी टीम ज्वाइन करे, अपने घर में रह के भी हम सेवा भाव भक्ति कर सकते हैं। अभी आपने बताया आप कुछ ना कुछ खास चीज़ें सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहते हो, बिल्कुल वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखी हुई चीज़ें हैं या कुछ अध्यात्म में आके कुछ खास अनुभव वो बताते हो? नहीं नहीं, जब संत कोई कथा सुनाता है तो वो पहले उसके ऊपर बीती होती है, उसके अनुभव होते हैं, कुछ चीज़ें हम उस चीज़ों को फेस करते हैं फिर वही चीज़ें हम सोशल मीडिया पर डालते हैं, ऐसे नहीं किसी को कॉपी करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे साथ बीती हैं घटित हुई हैं उन चीज़ों से सीख मिली हमें कि आगे हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उस चीज़ को तो स्टोरी दे देती हूँ छोटा छोटा, मैं उस तरीके को मोल्ड करके उसका जो उद्देश्य है वो मेरा यही होता है कि हर किसी के पास सच्चाई जाए, सब पता चले अगले को सच आज का जो चल रहा है दौर उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो चीज़ें सत्य तो होती हैं लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर को करके हमें उसको समझाने के लिए किसी का नाम लेके किसी को बता के इस तरीके से पेश लोगों के सामने कितना रहते हो? मतलब मैंने बताया कि एक दुर्लभ साध्वी मुझे मिली, दुर्लभ का मतलब होता है वो कम लोगों को दिखे, वो कुछ खास हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा तो रूटीन है, जैसे हम बांदा में सैर करने के लिए तो आती हैं, कभी ना कभी यहाँ भी आ जाते हैं जब मन करता है, जब होता है कि शांति चाहते हैं क्योंकि मन तो सबके अंदर ही है, शांत भी रहता है परेशान भी होता है, तो गंगा जी में आते हैं तो थोड़ी देर इन लहरों को देखते हैं कि कितनी पत्थर होने के बावजूद कितना कुछ होने के बावजूद सदियों से चलती आ रही है, किसी की रोक टोक से ना तो रुके हैं ये ना रुके, अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। हाँ खुद बना के ये निकल रहे हैं, तो इस तरीके से हम भी सोचते हैं कि मुश्किलें तो लाइफ में आनी ही आनी है, तो इनसे प्रेरणा लेते हैं गंगा जी से।
कि हमें भी जैसे आप चलते रहते हो हमारे ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखे ताकि हम भी ऐसे अपनी लाइफ में चलते रहे। जी अभी मैंने मूवीज पे लगातार इंटरव्यूज आप देते रहते हो, हम जब भी हरिद्वार आते हैं तो हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, कभी आप किसी आश्रम में मिलते हो, आज गंगा किनारे मिल गए, आज का अनुभव आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, आज कैसा रहा? आज बहुत अच्छा रहा, आज मौसम भी अच्छा है और अब तो सावन चल रहा है, सावन का महीना है तो ये चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं तो सबको कहूँगी जितने भी भक्त हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, गंगा जी में आया करें अपने। कई लोग सोचते हैं कि हम पाप कर दिए और एक महीने बाद दो महीने बाद डुबकी लगाई और पाप हमारे उतर गए, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी एक भावना है। हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए कि जिसके लिए डुबकी लगाने आने चाहिए, ये एक श्रद्धा है, श्रद्धा से आएँ जब भी मत्था टेकने आएँ, कभी भी आएँ, ये चीज़ें अच्छी हैं। अभी पीछे से बहुत सोशल मीडिया पर चल रहा था कि गंगा जी बहुत ऊपर आ गए हैं, पानी का बहाव तेज हो गया, डूब गया था गाड़ियां कारा वगैरह जो हैं वो डूब गई। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, जो गाड़ी लोगों ने पार्क की थी वहां पे गंगा जी का रास्ता था, जहां से बहाव जाना था वहां पर एकदम से बारिश आई और पानी निकलेगा तो गाड़ी चली गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे बिल्कुल शांति है। आराम से आएं और मर्यादा में आएं और गंगा जी को भी साफ रखें, पवित्रता से यहाँ पर श्रद्धा से आए। तो भाई साध वितरपता सरस्वती जी आज फिर अभिमन्यु मूवीज पे अपना समय देने आई, इतना प्यारा इंटरव्यू दिया और हर क्वेश्चन मतलब जो भी मैं पूछता हूँ बड़ी बेबाकी से खुल के उनका जवाब देती हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिनके बारे में मुझे इनके फेस की तरफ देखना पड़े कि वो शायद जवाब देंगी नहीं देंगी, हर सवाल का जवाब टपाक से दे देती हैं। और अब थोड़ी सी पुरानी साध भी होगी तो साध होता हूँ मैं, पक भी गई हैं, चीज़ें सीख ली हैं आपने जी, है ना? ये तो है ही, तो गुरु जी थे हमारे को पकता, उन्होंने ही बनाया है हमें, हर चीज़ तरीके की नॉलेज उन्होंने कि किस तरीके से कहाँ बैठना उठना उनसे ही सीखा हमने। तो भीड़ बढ़ाना कब शुरू करोगे आपके, मतलब बुरी संगत आप बैठे हो हजारों की संख्या में संगत, हर किसी का मन होता है मैं ही सुपर हो जाऊँ मैं ही, तो वो कब होने वाले हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भीड़ भाड़ का ना तो हमें कभी ऐसा शौक रहा है कि हमारे पीछे इतनी भीड़ हो ऐसे हो, लेकिन जितने भी हो चंद लोग हो जिनको हमारे ऊपर भी विश्वास हो हम उनके ऊपर भी विश्वास करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माता रानी का नाम कर सकें हम जी। ये नहीं है हमें कि भीड़ चाहिए हमें, ये चीज़ें नहीं, हमने कभी सोची भी नहीं है ऐसी जी।